मानव दिव्यांग कल्याण सेवा समिति पवासा द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष प्रीति सिंह तथा संचालन सतेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश प्रेमी, पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर राजकीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार तथा विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार उप कमिश्नर वाणिज्य कर तथा सुरेंद्र चंद शरद चंद्रा उप कमिश्नर वाणिज्य कर सम्मिलित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित 220 दिव्यांगों को कंबल वितरण किए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश प्रेमी ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, उन्हें सहानुभूति की नहीं बल्कि प्यार और सम्मान देने की आवश्यकता है। समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की मदद को आगे आए, जिससे कि वे हीन भावना से ग्रस्त ना हों तथा समाज की मुख्य धारा में चलकर राष्ट्र में अपना मुख्य योगदान दे सकें। विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार उप श्रम आयुक्त वाणिज्य विभाग ने कहा कि समाज के संवेदनशील लोग आगे बढ़कर दिव्यांग लोगों की मदद करें, जिससे कि उनमें आत्मबल पैदा हो सके और अपने घर परिवार तथा समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। आज विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर मानव दिव्यांग कल्याण समिति पमासा की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 220 लोगों को कंबल वितरण किए गए, उनके खाने की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम के लिए मैं समिति के अध्यक्ष प्रीति सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। इसमें समाज की नैतिक जिम्मेवारी है कि समाज के अग्रणी लोग आगे बढ़कर आएं और उनको मदद करें, क्योंकि उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्यार की और सम्मान की आवश्यकता है। अगर हम सब मिलकर के उनके अंदर कोशिश करें कि आप शक्ति जगाएं, इच्छा शक्ति जगाएं और उनकी मदद करें, जिससे कि वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकें, यही कहना मुझे।